आ गए कॉलेज एंड ये रहा हमारा कॉलेज। वाह यार लविंग। तो ये गाइस इंदौर का खजराना मंदिर। ओके सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लवी नागर और स्वागत है एक नए व्लॉग में। एंड आज मैं थोड़ा ज्यादा जल्दी उठ गया हूँ भाई और व्लॉग भी टाइम पे अपलोड कर दिया मैंने, 7 बजे अपलोड कर दिया एडिटिंग करके व्लॉग। पर जल्दी उठने की एक प्रॉब्लम है, क्या जल्दी उठ जाते हैं तो जल्दी भूख लग जाती है और हमारा टिफिन आता है 11-12 बजे तक, तो अभी मुझे भूख लग रही है तो अभी कुछ बनाते हैं अपने खाने के लिए। ओके तो अभी किचन में आ गया और बनाने के लिए 3 ऑप्शन है, पोहा, दूसरा ऑप्शन दलिया, तीसरा ऑप्शन खिचड़ी, जिसमें मेरा फेवरेट है खिचड़ी। तो मैं सोच रहा हूँ खिचड़ी बनाता हूँ, दाल वाली मस्त, फिर बाद में खाएंगे घी डाल के, खिचड़ी बनाते हैं। ओके तो फाइनली गाइस खिचड़ी डन, हम मस्त इस पर डालते हैं घी। हाय हाय क्या बात है, अगर आपको खिचड़ी पसंद नहीं है तो उस पर घी डाल के खाओ भाई, फेवरेट हो जाएगी तुम्हारी। क्या अब YouTube पे कुछ लगाते हैं? मैं तो YouTube पे देखते देखते खाता हूँ, जब भी खाना खाता हूँ ना अकेले बैठ के खाता हूँ, किसी के साथ खाता हूँ तो फिर YouTube की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर अकेले बैठते हैं तो YouTube तो चाहिए। मेरा ही ब्लॉग लगा लूँ क्या यूट्यूब पे? थोड़ी आपके गड़बड़ हो रही थी तो ये मैंने थोड़ा की, अभी मेरे को गड़बड़ लग रही है। मेरा खुद का ब्लॉग एडिटिंग के टाइम पे इतनी बार देख लेते हैं ना ब्लॉग, 3-4 बार, क्योंकि एडिटिंग करना पड़ता है तो उसमें देखना पड़ता है बार बार कहीं से कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो जब वो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं तो इच्छा ही नहीं होती खुद का ब्लॉग देखने की, क्योंकि ऑलरेडी इतनी बार देख लिया होता है। ओके तो यार आज जल्दी उठ ही गए थे तो सोचा सर्विसिंग करवा लेते हैं गाड़ी की, एंड क्योंकि बिना ब्रेक के चल रही है जैसे कि मैंने बताया था एक ब्लॉग में, तो अभी दिक्कत हो सकती है। वैसे तो कहीं जाना आना होता नहीं है ज़्यादा गाड़ी से, पर अगर बिना ब्रेक के किसी दिन रुक गए तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। और आज से रूटीन वापस सुधर गया है और हाँ रूटीन सुधर गया आज, आज मैं जल्दी उठा था तो आज टाइम पर सारे काम हो जाएंगे मे बी। ओके तो यार अभी ये वाली गाड़ी मैं चला रहा हूँ, वो वाली विशाल चला रहा है, इसकी स्कूटी ले ली हमने कुणाल की, क्योंकि इसको सर्विस के लिए डालना पड़ेगा तो उधर से वापस आने के लिए स्कूटी चाहिए रहेगी ना एक। यार ये स्कूटी चालू नहीं हो रही है कुणाल की, तो इसको ज़्यादा सर्विसिंग की ज़्यादा ज़रूरत है भाई। एक काम कर, उधर से अपन बस से आ जाएंगे। ओके तो यार अभी तो ये चालू ही नहीं हो रही है, पता नहीं क्या हो गया, कुणाल ही चालू कर सकता है इसको, तो चाबी वापस दिया फिर, आज फिर लेट हो गया तो फिर वापस आना पड़ेगा बिना उसके सर्विसिंग के। तो अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है यार गाड़ी की, देखो लाइन से कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई है, और ये बोल रहा है कल देंगे, कल वो भी शाम तक, तो अब करवाना तो है ही, तो पटक देते हैं बिना गाड़ी के घूमेंगे और क्या। तो यार गाड़ी खड़ी करने तक की जगह नहीं है यहाँ पे, ये देखो भीड़ लग रही है, गाड़ी यहाँ पे पार्क करवाई है और बोल रहे हैं कल मिलेगी, तो कल तक बिना गाड़ी के रहना पड़ेगा, कल भी शाम तक मिलेगी, तो अभी देखो ऐसी हालत है। ये भैया भी आए कल शाम का बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पे यार, बहुत ज़्यादा ही ग्राउंड है बाबा, स्लिप दे दी? नहीं अभी आ रहे हैं, पर ही स्लिप बनाई है, अंदर भी स्लिप बनाने की जगह नहीं है। अच्छा रोड पे ही काम हो रहा है, मतलब पूरा स्लिप भी यहीं बन रही है, स्लिप बनवा रहे हैं। तो यार अभी गाड़ी तो सर्विसिंग के लिए पटक दी है और गाड़ी मिलेगी कल शाम को, तो अब पैदल हो गए हम, एक दोस्त को फोन लगाया वो लेने आ रहा है, काफ़ी टाइम से पैदल नहीं चले थे तो हाँ तो थोड़ा पैदल चल लेते। जैसे कुणाल भाई की गाड़ी ली थी पर कुछ ज़्यादा ही आपको पता ही है, तो कुणाल की गाड़ी में प्रॉब्लम हो रही थी यार, पता नहीं क्या चालू नहीं हो रही थी सुबह सुबह, शायद इंजन थोड़ा ठंडा रहता है ना उसके कारण चालू नहीं हो रहा होगा, बाकी तो ठीक थी, मतलब कल भी लेके आए थे हम। तो अभी संदीप को कॉल करा है वो आ रहा है, तो अभी ये घर छोड़ के आ गया हमें, अब ब्लॉग में बोल दिया अब छोड़ के आना पड़ेगा, इसको बताया नहीं था वैसे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमारे संदीप भाई का स्टूडियो, संदीप आर्टिस्ट का स्टूडियो, जरा कैमरा घुमा, ये पेंटिंग्स, ये देखो क्या पेंटिंग बन रही है इधर, बेहतरीन प्रिंट निकलवा के बना रहा है तू ये? नहीं फोटो प्रिंट अच्छा रहता है, मतलब ऐसे फोटो में देखते बैटरी खत्म नहीं होती, बैटरी खत्म नहीं होती और इसमें सही दिख भी जाता है मोबाइल में, कब तक ये प्रिंट? हाँ फोन में से देखने में थोड़ी समस्या आती है, ये तो सब सूख गया यार। हाँ यार तो ये हमारे संदीप आर्टिस्ट का स्टूडियो, कॉलेज के लिए बता पर बन रहा है, मतलब ऐसे थोड़ा सीधा करके देखा,
दिखेगा नहीं, तो कुछ भी नहीं दिख रहा उसमें। मेरी भांजी है। अच्छा उनकी सब लोग यही बनाते हैं ना। तो ये शिव जी की बना रहे थे कोई, ये वाली ये फोटो में से देख के इतनी कुछ बन गई है। वाह यार संदीप यार, यार काम तो है। चाय बना लो। नहीं आराम से बना, कोई दिक्कत नहीं। प्रैक्टिस वर्क सबको ऐसा लगता है ना कि ऐसे ही हो जाता है, पर एक भाई बहुत प्रैक्टिस करता है उसके लिए बहुत सारा ऐसा चेतना होता है। ओके तो ये देखो इधर कैनवास रखे हुए हैं कितने बड़े बड़े, ये पूरी प्रैक्टिस है, पूरी प्रैक्टिस। स्पीड पेंटर संदीप मीना छत पे ले आया आपने, यहाँ पे जो पेंटिंग करता है छत पे। अभी ट्रेंडिंग में है मेरा फोन भाई। ये आईफोन 16 की डिजाइन लीक हो चुकी है। आप देख सकते हैं। सबने देख ली भाई, सबने देख ली। तो अभी संदीप भाई ने चाय बना के लाया। वाह यार चाय तो अच्छी बनाई, थोड़ी मीठी हो गई बस ये। बस 12 की है, ज्यादा महंगी नहीं है। यार इसके घर से ना काफी पास में था खजराना मंदिर, तो हमने सोचा क्यों ना दर्शन करके जाते हैं गणेश जी के। तो अभी खजराना आ रहे हैं, खजराना गणेश मंदिर। ओह ये पूरी लाइन है देखो यहाँ पे, बेहतरीन सुनकर प्रसाद 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 तो मंदिर के अंदर से लेंगे पंडित जी से। तो ये गाइस इंदौर का खजराना मंदिर, लाइन लगी हुई है पूरी, पर इधर दर्शन करने के लिए ये वाली लाइन से भी जा सकते हैं पीछे से। ये VIP लाइन, अपनी VIP लाइन। तो हाँ यार ये खजराना मंदिर और गणेश जी हिडन में नहीं, चोरी करते हुए थोड़ा सा मेरे को भी दे देना यार। तो इधर अंदर ना सारे ही भगवान के मंदिर है ऑलमोस्ट। यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, इधर अंदर साईं बाबा का मंदिर है, शनि महाराज का मंदिर है। तो यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है और ऊपर चलते हैं ना तो ऊपर राम दरबार है, राम जी का मंदिर है। बहुत सुंदर मूर्ति लगती है ना, बहुत सुंदर है। तो यहाँ की मूर्ति देखो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है यार ये। अबे ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है मंदिर का, तो यहाँ ना बहुत से लोगों ने अपने अपना सब लिख के जाते हैं, सबकी अपनी अपनी। क्या लिखा है? 85% तो इधर ना देखो, ये देखो 85% लिखा हुआ है इधर पे। पास कर देना हमें, पास होने के बाद 33 बन पाएगा, 73। और ये देखो परसेंट लिखा हुआ बिल्कुल, पास करने के बाद 73। पास कर देना 73। अबे पास तो 75 पास हो जाऊं, अबे तो 75 बन जा, पास तो हो ही। ये देखो मूर्ख लोग हैं, फेल ही हुए हमने। अबे तो लिटरली परसेंटेज लिख के गए लोग, ये 95 बोल्ड वो भी लिख दे पास हो जाऊं। 75, 73, 72, 60% भी लिखा किसी ने, 60% में नारियल चढ़ा। मैं भी यहाँ लिख के चले जाता हूँ क्या, 10 मिलियन सब्सक्राइबर बेहतरीन। पेन है क्या, पेन है क्या? तो धन्यवाद संदीप सर, आप आए हमें छोड़ने, जा सकते हो अब, आप जा सकते हो। खाना खा के जाना भाई, टिफिन आ गया, खाना खा के जाना। कैसी लग रही पेंटिंग? अच्छी लग रही, जब देख रहा हूँ अच्छी लग रही है। बाल लाल में तो सब ब्लैक ही कर देता, आज तो ना फाइन आर्ट वाला काम। तो यार अभी मंदिर से तो आ गए हैं, अभी जा रहे हैं हम लोग हमारे कॉलेज, क्योंकि ये अभी रूम पे आया था तो इसको कुछ कॉलेज से सामान भी लेना था। कुछ पेंटिंग्स हमारी कॉलेज में रखी हुई हैं, सबमिशन के टाइम पे जब प्रैक्टिकल सबमिट करने रहते ना काम, तो तब सबमिट किए थे, वही वापस लेने जा रहे हैं अभी कॉलेज। इसी बहाने आपको मेरा कॉलेज भी दिखा दूंगा मैं अभी तो वैसे मैं पास आउट हो चुका हूँ कॉलेज से, मेरी जो बैचलर डिग्री है वो कंप्लीट हो चुकी है, पर अभी मैं कॉलेज जा रहा हूँ तो दिखा देता हूँ आपको भी ब्लॉग में कॉलेज मेरा। आ गए कॉलेज एंड ये रहा हमारा कॉलेज, ये देखो ऐसा पूरा जंगल हो रखा है अभी तो यार, पूरा बरसात के टाइम पे पूरी हरियाली हरियाली हो जाती है। हाँ भाई तो सारे पेंटिंग्स पड़े हुए हमारे, हाँ ये विशाल की रखी हुई है पेंटिंग्स, विशाल ये वाली विशाल की है, मेरी भी इधर ही होगी। तो ये सारे कैनवास रखे हुए इधर पे।
लवी भैया के भी कैनवास मिल गए, इनको पता ही नहीं था कि ये पेंटिंग ये कर चुके, पर अब याद आ गया होगा। गणेश जी की बताओ, गणेश जी को ये तो गणेश जी की बताओ। वाह यार लविंग, तो यार अभी ना पेंटिंग्स वगैरह उठा लिए मैंने भी, मेरी दो पेंटिंग रखी हुई थी और इसने भी इसकी पेंटिंग उठा ली है। अब वापस चलते हैं रूम पे। अबे आवाज़ कितनी आ रही है इधर पे। तो अभी जो सबमिट की थी ना फोर्थ ईयर में हम लोगों ने पेंटिंग, वही उठा ली वापस। अब तो कॉलेज आना होगा नहीं, मास्टर्स अगर करना होगा जो कि अभी पता नहीं है, तो अगर मैं मास्टर्स करूँगा तो कॉलेज आऊँगा, वरना तो ऐसा कोई चांस है नहीं। ओके तो यार अभी ना घर आके मैंने अपनी पेंटिंग कंप्लीट कर ली है, जो सेल्फ पोर्ट्रेट में बना रहा था कांच में देखकर। एंड कल व्लॉग नहीं आया, उसका रीज़न यही था क्योंकि मैं आराम से बैठ के ये पेंटिंग को कंप्लीट कर रहा था। तो क्योंकि अगर शूट करते हैं व्लॉग करते हैं तो उसके कारण ना डिले हो जा रही थी पेंटिंग, बार बार कैमरा सेटअप करो तो वो जो फोकस है ना वो नहीं बन पा रहा था। तो अभी मैंने पेंटिंग फिनिश कर ली है ऑलमोस्ट, थोड़ा सा काम अभी भी बाकी है पर ऑलमोस्ट मैंने अपनी पेंटिंग ये वाली ख़त्म कर ली है, जिसका शॉर्ट मैं अपने आर्ट वाले चैनल पे अपलोड कर दूंगा कल तक, मोस्ट प्रोबेबली कल तक मैं इसका शॉर्ट बना के अपलोड कर दूंगा। तो उसमें आपको इस पेंटिंग का फाइनल लुक देखने को मिल जाएगा। इस व्लॉग के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।